और बात करेंगे बगुदर के पश्चिमी भाग जिला परिषद सदस्य सीट के चुनाव परिणाम के रिकाउंटिंग की मांग को लेकर बीती रात हुए हंगामे के बाद पुलिस ने 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 18 महिलाएं हैं। प्रत्याशी शत्रुघ्न मंडल की पत्नी और सास भी उसमें शामिल है। गुरुवार की शाम रिकाउंटिंग की मांग को लेकर बगुदर की अटका में जीटी रोड को लगभग 7 घंटे तक जाम किया गया था। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जमकर रोड़ेबाजी हुई थी। पुलिस ने बेस राउंड से ज्यादा हवाई फायरिंग भी की। इसमें कई लोग और पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इसके बाद डीएसपी नौशाद आलम, इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, थाना प्रभारी नीतीश कुमार को भी मामूली चोटें आई। देर रात एसपी अमित रेणु भी घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक विनोद सिंह ने भी वहां पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। और सहयोगी बिट्टू हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर है। बिट्टू, कल से इस खबर को हम दिखा रहे हैं और हमने आशंका भी जाहिर की थी कि देखिए मामला कितना बिगड़ सकता है। ये लोग जो रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, इन्हें प्रशासन समझाने में नाकामयाब साबित हुआ है। रोड़ेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, कई घायल हुए। कितने लोग हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए शिशांत, बता दें कि गाँव की सरकार में क्या सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हो गई थी। कल देर शाम ये हंगामा हुआ जो आज का हमारे दर्शकों ने देखा, न्यूज भारत की, और इसमें जो है अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 18 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 100 लोगों को और नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही 500 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल गांव की स्थिति अभी कंट्रोल में है, पुलिस लगातार मौजूद है वहां पर, लेकिन अभी तक कोई दुकान वहां नहीं खुल रही है। अभी पूरा सन्नाटा है माहौल, सिर्फ पुलिस वहां पर निगरानी कर रही है। इसके बीच विनोद सिंह बगौल विधायक भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों से भी बात की, पुलिस से भी बात की। फिलहाल पूरा मामला अभी शांत दिख रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि पुलिस अभी 56 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई जी। बहुत शुक्रिया आपका बिट्टू तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, स्थानीय विधायक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और कोशिश यही है कि हालात को काबू में कर लिया जाए। हालांकि कई गिरफ्तारियां हुई, 18 महिलाएं जिनमें शामिल है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। रिकाउंटिंग को लेकर अटका में हंगामा देखने को मिला था, पत्थरबाजी की घटना घटी, इस दौरान 56 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन में करने के लिए हवाई फायरिंग भी पुलिस को करनी पड़ी और अब जाकर गिरफ्तारियां। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।